से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए अंतस योग। मैं मिसेस जैन, योग विशेषज्ञ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड से जुड़ी समस्याओं के बारे में। देखिए, गुड हेल्थ के लिए पीरियड्स का नियमित होना और सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पीरियड्स रुक रुक कर आते हैं या महीने में दो बार आते हैं या पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, क्रैम्स पड़ते हैं, तो सावधान हो जाइए। आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम योगा के कुछ बहुत सिंपल स्ट्रेचेस बता रहे हैं जो आपको 100% सॉल्यूशन देंगे इस प्रॉब्लम के लिए। तो देरी किस बात की, देखते रहिए अंतस। जी हाँ, अब योग द्वारा पीरियड्स में होने वाली समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप, सांस को बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाइए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से नाभि के पास हाथ को रखते हुए गहरा लंबा श्वास भरते हुए कान के पास लाकर धीरे से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। कोशिश करें क्षमता से ज़्यादा ना खिंचाव हो। पीरियड से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों तरफ से 10 टाइम्स कोशिश करें। जब भी ये वर्कआउट करें आपका पेट खाली हो। बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें पीरियड्स के दिनों में योगासन करना चाहिए या नहीं, लेकिन कोशिश करें शुरुआती 2 या 3 दिन हैवी योगासन अवॉइड करें, सिर्फ हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो भी योग ना करें। इसके अलावा कोई भी हैवी आसन ना करें, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन या बहुत तेज़ी से कपालभाति। इन चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके धीरे से सांस को बाहर निकालें। अपनी क्षमता अनुसार झुकें, क्षमता से ज़्यादा ना झुकें। पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा कमर में अकड़ाहट, स्टिफनेस हो रही है तो इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। गहरा सांस भरते हुए ऊपर, सांस को बाहर निकालते हुए हल्का सा कमर को ट्विस्ट करने के बाद पीछे फोरहेड को ज़मीन पर लगाते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच फील करें। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग से आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, मेंटल स्ट्रेस से बचेंगे। अगर आपको काफ़ी समय से पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार का वर्कआउट करें। सांस को बाहर निकालते धीरे धीरे चिन को ज़मीन से लगाएं। अगर चिन और फोरहेड को नहीं लगा सकते तो कोहनियों को लगाएं, जैसा कि आप पीछे मेंबर्स को देख ही रहे हैं कि जिनका फोरहेड टच नहीं होता है वो कोहनियाँ ज़रूर लगाएं। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग से आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। अगर आपका भुनमन आसन नहीं लगता है तो सुप्त बद्ध कोण आसन लगाएं। दोनों पैरों के तलवों को मिला लें। गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर से खींचें, पेट अंदर, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग। यूट्रस से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लगा जाए पश्चिमोत्थान आसन। धीरे से सांस को बाहर निकालकर पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए मैक्सिमम झुक जाइए। अपनी क्षमता अनुसार झुकें। ध्यान रहे, पीरियड्स के दौरान व्यायाम करने का केवल एक ही नियम है कि अपने मन की बात सुने। यदि आपको बहुत अधिक दर्द है तो अपने शरीर की बात सुने और थोड़ी देर रेस्ट करें। एक ज़रूरी बात, ध्यान रहे, पीरियड्स के दौरान हल्का व्यायाम करने से दर्द में राहत मिलती है, परंतु यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द और ऐठन है तो ज़बरदस्ती व्यायाम ना करें। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सभी आसन बताएंगे जिन्हें आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। तब तक इंतजार के पलों में देखते रहिए अंतस योग। स्वस्थ रहिए।